Hey everyone, this is me, Pianchi. मेरा मतलब परी. अरे मैं अभी ना हर रोज मैं अपनी दीदी का ही वीडियो देखती हूँ. आप लोग देखते हो ना, यानी कि उनका चैनल का नाम है लर्न विद Pianchi. तो दोस्तों आज ना एक स्पेशल वीडियो आया है. आप सब लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे ना कि एक किचन वीडियो बनाना है और एक शॉपिंग वाला भी. तो मैंने सोचा ठीक है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है ना, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना क्यों मैं किचन वीडियो और शॉपिंग भी शॉपकीपर वीडियो एक साथ मिलाकर एक ही वीडियो में डाल दूँ. ठीक है, तो दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो चलो शुरू करते हैं. टन टन. अभी तो दोपहर हो गए, चलो मैं देखती हूँ सब्जी. फिर हमको थोड़ा सा खाना भी बनाना पड़ेगा लंच के लिए. चलो मैं फ्रिज देखती हूँ. ओ नो, सारा सब्जी और फ्रूट्स खत्म. ओह अरे, अब तो मुझे शॉपिंग करने जाना पड़ेगा. चलो मैं अपना बैग ले लेती हूँ. आई विश ये कोरोना के वजह से उधर का सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स महंगा ना हो, इसलिए. ठीक है, चलो देखते हैं. हेलो मैडम जी. आप तो बहुत दिनों के बाद आई मैडम जी, कहाँ गई थी? हाँ मैं घर में थी, लेकिन अभी तो कोरोना चल रहा है ना, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी. मैडम जी वो नीचे है ना, वो नीचे बास्केट है, उधर से आप ले लीजिए, ताजे ताजे सब्जी है मैडम. ओके. अच्छा ये कौन सा साग है? ये ओनियन का साग है मैडम. ये ओनियन साग कितना प्राइस है इसका? वो 20 रुपीज का बंडल है. 20 रुपीज? ओके. अच्छा ये छोटू छोटू फ्रूट्स है क्या? मैडम जी वो इम्पोर्टेड फ्रूट्स है, वो बाहर से आई है और थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है मैडम. आप ना वो बड़ा वाला फ्रूट्स ले लीजिए, वो थोड़ा सस्ता है. अच्छा ठीक है. पटाटो, ये पटाटो कितना है भैया? मैडम जी पटाटो किलो 60 रुपीज है. 60? वो ऑनियन भी है ना, आज तो मैं ऑनियन साग ही मांगूंगी क्योंकि लेट हो जाएगा ना सारा चीजें लेने के लिए. हाँ अच्छा भैया, ये ऑनियन कितना है? ओनियन किलो 100 रुपीज है मैडम. 100? हे भगवान, आजकल तो वेजिटेबल सोने के भाव मिल रहा है. मिडिल क्लास फैमिली अगर खाए तो क्या खाए. भैया ऑनियन हाफ किलो 40 कीजिए ना प्लीज. मैडम आप अगर 1 किलो लेंगे तो मैं 90 कर दूंगा, अगर हाफ किलो लेंगे तो 50 ही होगा मैडम. ठीक है तो भैया, और क्या कर सकती हूँ, मैं हाफ किलो ही लूंगी. ठीक है. अच्छा भैया ये बैंगन कितना है? बैंगन किलो 70 रुपीज है मैडम. 70? ठीक है ले ही लेती हूँ, क्योंकि बैंगन का भरता भी मनाना पड़ेगा इसलिए. अच्छा भैया ये बनाना का कितना है, प्राइस कितना है? बनाना किलो 80 रुपीज है मैडम. अच्छा 80, बनाना भी ले लेती हूँ, थोड़ा सा फ्रूट्स भी तो लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे डॉल्स को फ्रूट्स बहुत पसंद है. अच्छा भैया मैंने ना सारी चीज़ें ले ली जो मुझे चाहिए, अब इसका थोड़ा सा बिल कर लीजिए ना. ओके मैडम, उधर वेट करके ना वो सामान सब मैं आपको बिल बना के देता हूँ.
ओके। चिल्ली। मैडम जी, आपका ये 550 बिल हुआ है। दिखाइए 550। ठीक है, मैं देखती हूँ अपना पर्स में 550 है कि नहीं। ये रहा 500 और ये रहा 50। ये लीजिए आपका 550। थैंक यू मैडम जी, आप आते रहना आगे से भी। ओके, थैंक यू। अच्छा भैया, आप ये धनिया पत्ता थोड़ा सा दीजिए ना, बहुत इतना सा सामान ले लिया और धनिया पत्ता थोड़ा सा फ्री में दीजिए ना प्लीज। मैडम जी, धनिया पत्ता तो बहुत कॉस्टली हो गया है, फिर भी आप मेरा रेगुलर कस्टमर है ना, तो थोड़ा सा तो आप ले लीजिए उधर से। थैंक यू, थैंक यू भैया, बाय। ठीक है मैडम जी, आप आते रहिए, मैं तो हमेशा फ्रेश फ्रेश सामान रखता हूँ। मैडम जी, आप ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करती है? वो लोग ना बासी वाला फ्रूट्स वेजिटेबल बेचते हैं, आप आएंगे तो मैं आपको अच्छा अच्छा वेजिटेबल दूंगा मैडम जी। लेकिन मुझे फिर भी एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि अभी कोरोना है ना, इसीलिए एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है मैडम जी, चाहे कब कोरोना कब जाएगा तो पता नहीं, कोरोना जाने के बाद आप डेली आना। हाँ, मैं जरूर आऊंगी आपके दुकान डेली। ठीक है, बाय। मैं सारा सामान निकाल कर इसको थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ। पहले मैं अपना ऑनियन साग धो लेती हूँ। पानी को वेस्टेज नहीं करना चाहिए दोस्तों। बनाना जो मेरा भी फेवरेट है। बैंगन, अच्छा तो दोस्तों अभी कितना लेट हो गया है, चलो मैं ना थोड़ा सा सिंपल खाना बना लेती हूँ जो जल्दी हो जाए। चलो मैं ना पानी वाला राइस बनाऊंगी, जिसको हम लोग ना उड़िया में पखाल भात भी बोलते हैं। और मैं ना बैंगन का भरता, क्योंकि मैं बैंगन लाई हूँ। और मैं ऑनियन साग, ठीक है बस इतना बनाऊंगी, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं ना पखाल भात मतलब पानी वाला चावल से शुरू करती हूँ। वो बहुत सिंपल होता है। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ओके दोस्तों, ये पानी को तब तक के लिए थोड़ा सा बॉइल्ड होने देते हैं। तब तक के लिए हम लोग हमारा राइस को थोड़ा सा पानी में डाल कल उसको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ना कभी कभी वो राइस में ना कीड़ा आ जाता है, इसीलिए। चलो हम लोग ये वाला बाउल में राइस धोएंगे, सारा ख़त्म नहीं कर लेंगे वरना पेट में जगह नहीं होगा। हाँ इतना काफ़ी है, इतना राइस काफ़ी है। ओके, तो इसको हम लोग पानी डाल देते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ गिर जाता अभी। अब इसको सारा गंदा पानी को निकाल देते हैं। आई 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 राइस को गिरना नहीं चाहिए। चलो हम लोग उसके ऊपर राइस डाल देते हैं। हमारा ना हमारा राइस रेडी हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा बॉइल होने देते हैं। अब तो लेट हो गया, इसको हम लोग ना उधर
बॉल ढूंढने देते हैं ताकि हम लोग हमारा बैंगन का भरता मना पाए। इसको मैं स्लो में बिठाती हूँ। ठीक है, अब चलो मैं अपना बैंगन का भरता बनाती हूँ। पहले मैं अपना बैंगन मैं गलती से बैंगन को फ्रिज में रख ली, बाकी सब कुछ वो प्लेट में है। ठीक है, और एक ऑन और एक। ठीक है, तो दोस्तों हमको बैंगन का भरता बनाने के लिए पहले हमको बैंगन को रोस्ट करना पड़ेगा। मैं इसमें रोस्ट कर रही हूँ, आपने ऐसे नॉर्मली भी रोस्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा गैस से थोड़ा सा धूर धूर ही मनाएगा, इसलिए ये ली हूँ। ये रोस्ट हो गए। तो दोस्तों पहले इसका हम लोग छिलका निकालेंगे, फिर इसको दबा कर इसका भरता बनाएंगे। इसका भरता ठीक है, हमने इसके छिलका निकाल दिए। अब इसको हम लोग ना दबा लेते हैं। हम लोग हमारे बैंगन का भरता को फ्राई करते हैं। हम लोग ये वाला लेंगे कढ़ाई, मतलब ये पैन, और इसके अंदर मैं रख ली थी दोस्तों, इसमें हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं, जितना हमको टेस्ट के लिए चाहिए सॉल्ट। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग हमारा गरम मसाला डालते हैं। ये है हमारा गरम मसाला। मिक्स मिक्स मिक्स, आई हैव टू मिक्स। ओके, हमारा बैंगन का भरता रेडी। ओके, देख लीजिए हमारा बैंगन का भरता। तो दोस्तों अभी हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा कोरिएंडर लीव डालते ताकि थोड़ा सा यम्मी लगे और अच्छा दिखे। ये रहा हमारा कोरिएंडर लीव, थोड़ा सा कुछ एक कोरिएंडर लीव। ठीक है, तो हम लोग हमारा कोरिएंडर लीव डाल देते हैं और एक हो गया। इसको हम लोग इधर डाल देते हैं, हमारा बैंगन का भरता। इसका कैप हम लोग क्लोज कर देते हैं, नहीं तो कीड़ा गिर जाएगा और हम लोग जब खाएंगे तो हमको उल्टी आ जाएगी। ठीक है, अब ये राइस तो बॉयल हो गया होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग पानी निकाल देते हैं और फिर इसमें हम लोग थोड़ा सा अच्छा फ्रेश पानी डालेंगे और कर्ड डालेंगे। ठीक है, इसमें पहले हम लोग थोड़ा सा फ्रेश पानी डालते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें फ्रेश पानी तो डाल दिए, अब इसमें हम लोग कोल्ड कर्ड डालते हैं जो थोड़ा सा कोल्ड हो, ठंडा। ये रहा हमारा, नहीं हाँ ये रहा हमारा कोल्ड कर्ड। मैं एक मटकी में डाली हूँ ताकि वो कोल्ड रहे। ओके, इधर हम लोग थोड़ा सा कोल्ड और फ्रेश कोल्ड कर्ड डाल देते हैं। ओके, इतना कर्ड काफी है, हम लोग वापस डाल देते हैं। ये बहुत पीछे रखा है कि पीछे बहुत ठंडा होता है। वो बहुत ठंडा लग रही है, इसको हम लोग इधर अभी के लिए डाल देते हैं। हमने तो ठीक है, हमने हमारा खाना, अरे मैंने तो ऑनलाइन का साग बनाना भूल गई। आपको तो पता है साग खाने से हमारा बाल लंबे और स्ट्रांग बनते हैं। चलो मैं ऑनियन का साग बनाती हूँ जो मेरा फेवरेट है। अच्छा, तो दोस्तों अभी हम लोग हमारा ऑनियन का साग बनाते हैं। उसके लिए हम लोग ऑनियन का साग को हम लोग कट कर लेते हैं हमारे चॉपिंग बोर्ड और चाकू से।
ठीक है, अब मैं इसको काट लेती हूँ। ओके, हमने हमारा साग पूरी तरह से अच्छे से काट लिए छोटा छोटा करके। हम लोग हमारा साग को इधर डाल देते हैं। ठीक है, हम लोग अभी पहले से सारी चीजें काट लेते हैं। हमने तो हमारा साग तो काट लिए। अरे मैंने गलती से अपने ओनियन को ज्यादा बड़ा कर ली, जो जितना मुझे करना नहीं था। कोई बात नहीं, मैं ना उसको फिर से और जितना हमको साइज में चाहिए उतना काट लेती हूँ। ओके, हमने हमारा ऑनियन कट कर लिए। हम लोग इसको इधर डाल देते हैं। ओ, हमारा ये तो गीला हो गया। हम लोग इसको कपड़ा से चलो क्लीन कर लेते हैं। ओके, देख लीजिए हमने इसको ड्राई करके क्लीन कर लिया। इसको हम लोग इधर डाल देते हैं। अब हम लोग चलो हमारा ऑनियन साग बनाते हैं। हम लोग हमारा ऑनियन साग इसमें बनाएंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। वो जम कर ओके, अब हम लोग थोड़ा सा हमारा ऑनियन डाल देंगे। चलो हम लोग अभी हमारा साग। अरे मैंने तो चिल्ली डालना भूल गई। हमारा चिल्ली, बस एक ही चिल्ली देती हम। मैंने अपने हाथ से चिल्ली को काट ली क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग अभी इसको डाल देते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट, ओके, हमारा ऑनियन साग रेडी हो गया। ओके, हम देख लीजिए हमारा ऑनियन का साग। ओके, अब हम लोग इन सबको एक प्लेट में डाल देते हैं। हमारा ऑनियन का साग मेरा फेवरेट कलर का प्लेट में रहेगा, यानी कि पिंक। ये इधर रहा हमारा ऑनियन साग। ओके, चलो हम लोग अब हमारा राइस बखार भात डालते हैं, लेकिन हम लोग उसको प्लेट में नहीं डाल सकते वरना उसका सारा पानी गिर जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग हमारा पानी वाला चावल डाल लेते हैं बाउल में। ओके, अब हमारा पकाल भात हमने उसकी जगह में डाल दी। अब हम लोग हमारा बैंगन का भरता उसकी जगह में डालते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए हमारा लंच, यानी कि ये है प्याज का साग, पानी वाला चावल, मैं भी ना उल्टा बोलने वाली थी, और ये है हमारा बैंगन का भरता। तो देख लीजिए हमारा तीन, हमने आज थोड़ा सा लेट हो गया था ना, इसलिए मैंने वो सब्जी लेने के लिए ना बहुत टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा सा कम खाना बनाई हूँ।
तो दोस्तों आपको ये रेसिपी में से कौन सा रेसिपी अच्छा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है तो दोस्तों बाय। और दीदी दीदी हाँ बहुत भूख लगी है जल्दी तो। हाँ हाँ खाना बस तैयार हो चुका है अभी मिलेगा बस एक मिनट रुको। ये लो मुमन अभी मुझे जल्दी उनको खाना देना पड़ेगा वरना तो मेरा जीना हराम। ठीक है दोस्तों बाय। और दोस्तों अगर आपको ये गेम अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों बाय। हे भगवान दीदी जल्दी एक मिनट हो गया। हे भगवान जल्दी बाय। प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माय channel. Thank you.